हेलो वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं द ओम फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर मुझे। और आज हम चल रहे हैं अपने कॉलेज को, क्योंकि हमें हमारे कॉलेज से कॉल आया है कि आप लोग कॉलेज को आ जाएं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं बीएड फाइनल ईयर का छात्र हूं एंड मेरा कॉलेज कन्नौज में है और मैंने इसी साल अपना बीएड कंप्लीट किया है। तो कॉलेज वालों ने कॉल किया कि आप लोग कॉलेज आ जाएं, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली क्या मिलने वाला है एंड तो चलते हैं हम अपने कॉलेज को और वहाँ पर पता चलेगा हमें क्या कुछ मिलने वाला है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए चलते हैं अपने कॉलेज कन्नौज को। देखते हैं कितने का टूल टैक्स हमसे पड़ता है। दोस्तों हम आ चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एंड हमने अभी टोल टैक्स भी कटवा लिया है अपना, क्योंकि हमारे पास बाइक है और मुझे जाना है इस समय सॉरी को। तो मुझे इसका जो टूल टैक्स पड़ा है वो पड़ा है 60 रुपये का, रिटर्न भी है साथ में। अगर मुझे एक तरफ का कटवाना होता तो मुझे 35 रुपये पे करने होते, बट हमने दोनों तरफ का आने जाने का कटवा लिया तो मुझे 60 रुपये पे करने हुए हैं। और मैंने इसका जो टूल टैक्स है वो भी पे कर दिया है, क्योंकि अभी हम चलते हैं इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का सफ़र करते हैं, क्या कुछ फील आता है। बिकॉज ये नॉर्मल रोडों से तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी इस पे रूल्स वगैरह हैं तो वो सारे लोग फॉलो करते हैं एंड जो नॉर्मल रोड होते हैं उन पे क्या होता है कि यार कोई रूल का कोई वहाँ पे सही से फॉलो नहीं करता है। अच्छा, इस पर चलने का एक और ये फ़ायदा होता है कि यार यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल रोड्स होते हैं उन पे क्या रहता है कि यार वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है, कोई भी कभी भी किसी भी तरफ से आ सकता है। बट इस पे क्या है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और आप सेफ अपनी जर्नी कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने कॉलेज आ चुके हैं सॉरी को एंड अब चलते हैं अपने कॉलेज में एंट्री करते हैं और वहाँ की जो भी प्रोसेस है उसे पूरा करते हैं। ये कॉलेज है जहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है टेबलेट या फोन वितरण करने का। और ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, लगभग 3 से 4 कॉलेज हैं जिन लोगों को यहाँ पे टेबलेट या फिर मोबाइल वितरण होने हैं। ये रसीद ले आया हूँ कॉलेज से एंड अभी प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए बस फ़ोन मिलने को है हमको भी एंड अभी मिल जाएगा। ये जो मेरा कॉलेज, कॉलेज से थोड़ी दूसरे कॉलेज में थोड़ी दूर पे प्रोग्राम वहाँ पे रखा है। फाइनली गाइज मैं अपने कॉलेज के वितरण समारोह से होकर नेशनल हाईवे आ गया हूँ और मुझे कॉलेज से बहुत ही प्यारी चीज़, मतलब बहुत ही प्यारा सा एक स्मार्टफोन मिला है, जिसको मैं आपको यहीं अभी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा प्यारा सा स्मार्टफोन है लावा Z3 एंड इसके फीचर्स और इसको अनबॉक्स यहीं पे हम करते हैं इसी हाईवे पर और देखते हैं कैसा फ़ोन है। ये तो खोलते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या फीचर्स हैं और कैसा लुक है इस फ़ोन का। प्यारा सा फोन खुल गया है, ये सबसे पहले बॉक्स मैंने अलग किया एंड ये इसमें इसका शायद कवर है, हाँ कवर है। और ये प्यारा सा हमारा फ़ोन निकल आया इसके अंदर। ये देखिए ये ब्लू कलर का फ़ोन है हमारा, बहुत प्यारा सा।
अंदर क्या है, इसकी अंदर 3 GB रैम है एंड 32 GB रोम है। अच्छा मुझे ये लगता है कि यार इसमें जो रैम रोम है वो काफ़ी हद तक कम दिख रही है मेरे को, बट जो भी है फ्री का है यार, सही है। बट गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो रैम रोम है इसको बढ़ा कर देना चाहिए। ये देखिए ब्लू कलर का फ़ोन है, बहुत ही प्यारा सा लवा। एंड ये इसके अंदर टाइप सी चार्जर है, टाइप सी की डाटा केबल। एंड ये जो है इसकी, ये देखो ये अडैप्टर मिल जाता है। तो ऑल ओवर मैं कहूँगा कि ठीक ही है, क्योंकि फ्री का है यार, तो और क्या चाहिए आपको। 3 GB रैम है एंड 32 GB रोम आपको मिल जाती है। एंड इसके अंदर आपको ये देखिए फीचर्स इसके हैं, जो मीडिया टेक हेलो प्रोसेसर मिल जाता है एंड 8 एम्पियर का रियर कैमरा मिल जाता है, 5 एम्पियर का सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट बैक स्कैनर मिल जाता है इसमें एंड 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है एंड एंड्रॉयड 11 की कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्ट इसमें मिल जाता है आपको। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी एंड जो ये फ़ोन मिला है इसको, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसकी रैम रोम है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कि अगर अच्छा, जो कुछ लोग इसको यूज भी कर चुके होंगे, अगर जो लोग यूज़ इसको कर रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है तो वो ज़रूर बताएँ। एंड चलो करते हैं वीडियो को समाप्त।